सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस। मैं हूं रफी। तो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2022 दोस्तों, टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर ना सिर्फ 3 T20 और 3 ODI मैचों की श्रृंखला खेलनी है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर इस बार इंग्लैंड के खिलाफ मात्र एक टेस्ट मुकाबला खेलना है। अब यह एक टेस्ट मुकाबला 1 जुलाई 2022 फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है, जो 5 जुलाई 2022 ट्यूजडे तक खेला जाएगा बर्मिंघम के एडविस्टोन स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार यह इकलौता टेस्ट मुकाबला दिन में 3:30 बजे से यानी कि 3:30 PM से यह महामुकाबला स्टार्ट होने वाला है। अब यह टेस्ट मुकाबला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। गौरतलब है कि टीम इंडिया जब साल 2021 में इंग्लैंड दौरे पर गई थी तो वहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, लेकिन मात्र 4 ही टेस्ट मुकाबले खेले गए थे और 5वां टेस्ट मुकाबला कैंसिल हो गया था COVID-19 की वजह से। और यह वही टेस्ट मुकाबला है जो इस बार टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर खेला जाएगा। तो यह बेसिकली 5वां टेस्ट मुकाबला जो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा इस दौरे पर। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किन 11 खिलाड़ियों के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है। आपको बता दें कि जब टीम इंडिया साल 2021 में इंग्लैंड दौरे पर गई थी तो 5 टेस्ट मुकाबले के जो 4 टेस्ट मैच खेले गए थे उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से, जहां पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया था, उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने जीत हासिल किया था 151 रन के बड़े अंतर से, जबकि तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम ने एक पारी और 76 रन से भारत को हरा दिया था, जबकि चौथा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने 157 रन के बड़े अंतर से जीता था और 5वां टेस्ट मुकाबला COVID-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो फिलहाल उस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 के बढ़त पर थी। टीम इंडिया इस सीरीज में आ गए। अगर टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट मुकाबला इस दौरे पर जीत जाती है तो टीम इंडिया यह 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 के बड़े अंतर से जीत जाएगी, लेकिन अगर टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट मुकाबला हार जाती है तो फिर यह टेस्ट सीरीज दोनों की बराबरी पर खत्म हो जाएगी, या फिर अगर यह 5वां टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो जाता है तब भी टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज 2-1 के अंतर से जीत लेगी। अब अगर हम बात करें इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में तो इस वीडियो में आगे आपको पूरी विस्तार से बताने वाले, लेकिन उससे पहले तो दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई झड़ते बालों या हेयर फॉल से परेशान है तो मैं आप लोगों को एक शैम्पू के बारे में बताना चाहूंगा। यह शैम्पू इंडिया की वेल रिकॉग्नाइज कंपनी मैन मेटल्स का है। इस शैम्पू का नाम मैन मेटल्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, जो कि टूटते बालों की समस्या को जड़ से खत्म करता है। यह इंडिया का सबसे पहला DHT ब्लॉकिंग शैम्पू है और बॉडी में एक्सेस DHT हार्मोन्स के कारण ही बाल झड़ते हैं। इस शैम्पू में कुछ ऐसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जैसे कि कैफीन और साफ प्लेमिटो, जो कि DHT हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। मैन मेटल्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू का यूनिक फॉर्मुलेशन डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए यह शैम्पू न सिर्फ बालों की टूटने की समस्या को रोकता है बल्कि हेयर फॉलिकल्स को भी मजबूती प्रदान करता है। यह शैम्पू सल्फेट और पाराबेन फ्री के साथ कंटामिनेंट फ्री है। यह शैम्पू आपके बालों को हेल्थी बनाएगा और नोरिश करेगा, क्योंकि इसमें बायोटिन और आर्गन ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो अगर आप भी अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो तो आप भी अपना शैम्पू चेंज कर लो मैन मेटल्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो अभी जाके परचेस करो क्योंकि बहुत डिस्काउंट और कैश बैक मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गौरतलब है कि आपको बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर इस बार इस टेस्ट मुकाबले के लिए टीम में KL राहुल को भी चुना गया था बतौर वाइस कैप्टन और एज अ ओपनर, लेकिन वो इससे पहले इंजरी की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मुकाबले से कम्प्लीटली पूरी तरह से बाहर हो गए। तो KL राहुल की गैर मौजूदगी में इस बार रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल करने वाले ओपनिंग के बल्लेबाजी यही करेंगे पारी की शुरुआत। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये 5वां टेस्ट मुकाबला 1 जुलाई 2022 फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है। दिन में 3:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होगा यानी कि 3:30 PM से, जो बर्मिंघम के एडविस्टोन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस महामुकाबले के लिए कुछ इस तरह से होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। एज ओपनर नंबर एक पर बेहतरीन युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, जो करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर दो पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और ओपनर बल्लेबाज, जबकि नंबर तीन पर होंगे जितेंद्र पुजारा, जिनकी वापसी हुई है इस टेस्ट मुकाबले के लिए, जबकि नंबर चार पर होंगे किंग यानी कि विराट कोहली द रन मशीन, जबकि नंबर पांच पर होंगे हनुमा विहारी, या फिर एक और ऑप्शन ये है कि आप श्रेयस अय्यर को भी खिला सकते हैं, जहां श्रेयस
अय्यर को भी इस टेस्ट मुकाबले के लिए चुना गया है। बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर जबरदस्त युवा विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा या फिर रविचंद्रन अश्विन, इन दो स्पिनर ऑलराउंडर में से किसी एक को खिलाया जाएगा। बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पर होंगे शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर, जबकि नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह चोरकर किंग, तो वहीं नंबर 10 पर मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो काफी शानदार स्विंग गेंदबाजी कराते हैं। बात करें नंबर 11 की तो नंबर 11 पर उमेश यादव जो काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इससे पहले आईपीएल 2022 में केकेआर के लिए गजब का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था। हालांकि ऑप्शन ये है कि आप इनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को भी मौका दे सकते हैं, जहां मोहम्मद सिराज लगातार टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं, तो सिराज और उमेश यादव इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा इस टेस्ट मुकाबले में। तो ये टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस टेस्ट मुकाबले के लिए, और लगभग 100% कंफर्म है कि टीम इंडिया इसी प्लेइंग 11 के साथ, इसी रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस मैं आपको नजर यह टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीतेगी टीम इंडिया या फिर जीतेगी इंग्लैंड की टीम, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें।